अमरनाथ यात्रा भी है और यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है, क्या ये कहाँ तक यात्रा जाएगी, क्या पूरी जानकारी है? सबसे पहले तो मैं मीडिया करता हूँ, हमारी ये यात्रा 351 लोगों को लेकर यहाँ से सबसे पहले केरल, वहाँ के सरनाथ स्वामी के दर्शन कराएंगे, उसके बाद केरल से हमारी यात्रा जो है कर्नाटका जाएगी, कर्नाटका में महाबलेश्वर गोकर्ण के लिए जाएगी, उसके बाद वहाँ से हमारी यात्रा हम्पी के लिए जाएगी, हम्पी से हमारी यात्रा जो है मल्लिकार्जुन जहाँ पे दूसरी ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में मल्लिकार्जुन उसके दर्शन करने के लिए जाएगी। और ये सारे यात्री यहाँ से नंगे पांव और यहाँ से जो सारी व्यवस्था होती है हमारी यहाँ से टूटी घंटी तक जो है पैदल जाते हैं, उसके बाद हमारी यात्रा यहाँ से बसों में दिल्ली तक जाएगी, दिल्ली से हमारी यात्रा जो है ट्रेन में जगह जगह के स्थानों पर जाएगी जहाँ जहाँ हमने यात्रा करवाई जा रही है मंदिर कमेटी द्वारा। नहीं, मंदिर कमेटी द्वारा ये यात्रा फ्री तो नहीं होती, लेकिन हमारी जो माँ दक्षिणेश्वरी है वही माता यहाँ जो धन है वो फिक्स करती है, वो अगर 12,000 बोलेगी तो हमें 12,000 में ही सारी यात्रा करवानी पड़ेगी, 13,000 बोलेगी तो 13,000 में, उसी तरह जिस तरह माता ये हमें आदेश करती है धन का उसी के अनुसार हमें ये यात्रा करवानी। सर क्या ये यात्रा पूरे 9 नवरात्रों में? हाँ, 9 नवरात्रों में हमारी ये यात्रा होती है, लेकिन हमारी यात्रा हर बार अष्टमी के दिन यहाँ से निकलती थी, इस बार महामाई ने एक पहले नवरात्रे को ही हमारी यात्रा जो है यहाँ से निकाली है। इस यात्रा का विशेष महत्व ये भी है कि इसमें 9 की 9 कन्याएं हमारे साथ जाती है, 9 देवियां। आज जो है ये श्रद्धालुओं के साथ वो कहाँ तक जाएंगे? कालीबाड़ी तक जाएंगे सभी लोग, कालीबाड़ी का मंदिर जो शिमला में है वहाँ तक सभी लोग। किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? भक्तों का हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो बढ़ चढ़ कर जिस तरह यहाँ ये लालो लाल आप देख ही रहे हैं जो भगत जुड़े हैं, इस तरह हम सबको यही मैसेज करते हैं कि इस महामाई को जितना ज्यादा गुणगान करेंगे वो महामाई कभी भी अपने भक्तों को खाली नहीं रखेगी और उसकी झोलियाँ भरती है। हमारे साथ तकरीबन हिमाचल में से 4 डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल की है मेन, जैसे शिमला हो गई, सोलन हो गई, बिलासपुर हो गई, जो लगती डिस्ट्रिक्ट है सोलन हो गई, इन डिस्ट्रिक्टों में लोग हमारे साथ ज्यादा हो। इस मंदिर के बारे में हमें थोड़ा सा बताएंगे ये मंदिर 2004 में स्थापित हुआ था, पहले यहाँ बहुत छोटा सा एक शिव मंदिर होता था, उसके बाद ये इन्हीं भगत जनों की कृपा से इस मंदिर का निर्माण हुआ है जो आज इतना बड़ा मंदिर यहाँ पे स्थापित है।